संभल गुन्नौर तहसील परिसर में सपा नेता अमित यादव के नेतृत्व में गुन्नौर तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी कर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है धर्मेंद्र यादव नाम के एक नेता ने जेल से छूटने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो निकाला। 25,000 रुपए का इनाम भी उन पर घोषित था। इस खबर को एक चैनल ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का फोटो लगाकर चलाया। इस दौरान प्रशासन के आदेशों के सपा कार्यकर्ताओं ने धज्जियां भी उड़ाई। सपा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि एक औरैया और इटावा जनपद के धर्मेंद्र यादव जो जिला पंचायत सदस्य थे वो जेल से अंदर चुनाव जीते थे। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने 200 गाड़ियों के लगभग काफिला अपना निकालकर अपनी जनता को ये एहसास दिलाया कि मैं जिला पंचायत से चुनकर आया हूँ। वो समाजवादी पार्टी के भी नेता थे, हालांकि जैसा मीडिया बता रही है, लेकिन अभी इसके बारे में पार्टी ने कोई ऐसा मतलब बयान नहीं दिया कि वो पार्टी के ही हैं। लेकिन उस धर्मेंद्र यादव के नाम पर इस सरकारी सिस्टम के द्वारा जो बिके हुए चैनल हैं जैसे कि इंडिया टीवी, उनके जो एडिटर हैं रजत शर्मा द्वारा, वो पैसे लेकर उन्होंने श्री धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद बदायूं का फोटो लगाकर जो खबर चलाई है कि 25,000 इनामी हैं ये धर्मेंद्र यादव, सपा नेता हैं धर्मेंद्र यादव, बार बार फोटो चलाया गया सांसद धर्मेंद्र यादव जी का, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो जिले जिले मुख्यालय पर ये प्रदर्शन चलेगा। और जो बिकी हुई मीडिया है, आज आपने एहसास कर लिया होगा कि जिस प्रकार का ये चैनल बताता है कि हम बड़े विश्वसनीय चैनल हैं, उसने जानबूझकर इतनी बड़ी खामी ये धोखे से नहीं हो सकती है कि कहाँ धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद जो 3-4 बार लगातार सांसद रहे हैं और एक जो मामूली से जिला पंचायत अध्यक्ष जो जेल से निकल के आया, क्या आप उसको डिफरेंस नहीं कर पाए? जानबूझकर सरकार